हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मृदा अपरदन, देखिए काफ़ी जो है किसी भी देश के लिए मृदा अपरदन होना कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहती है, और भारत में क्योंकि जितने सारे नदी हैं और मृदा अपरदन होना स्वाभाविक बना देती है, तभी भारत में बहुत से लैंडस्लाइड भी देखने को मिलता है और कई जगह पर जो है मिट्टी का हर्ष होना स्वाभाविक बनाता है। तो मृदा अपरदन जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं है और मृदा अपरदन से बहुत ही नुकसान होती है, तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है, यानी मिट्टी जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर किसी कारणों के द्वारा वहाँ से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यह प्राकृतिक कारक जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरें द्वारा एक प्रकार की मृदा की चोरी है, यानी देखा जाए तो मृदा की चोरी होता है, थीफ होती है, यानी जल, पवन और हिमानी जल की लहरों द्वारा एक प्रकार की जो है चोरी होती है, जो कि चोरी कौन करता है? जल कर सकता है, पवन कर सकता है, हिमानी कर सकता है, और जल की लहरें जो करती है मिट्टी को चोरी कर जाती है उस जगह से। कहते घुर्तबल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर छेन छेन गतिमान होती ही रहती है, इसे मृदा संपन्न कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे मृदा संपन्न कहते हैं, जिसे मृदा संपन्न के नाम जाना जाता है, अथवा यह जो है भू संकलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ जाती है, यानी देखा जाए तो ये तीव्र जो है गति से नीचे आ जाती है, और भूमि का जो है वर्तमान स्वरूप हजारों लाखों वर्ष की काट छाँट द्वारा ये बनती है, यानी हजारों वर्ष जो है काट छाँट के कारण जो है ऐसी दशा बनती है। मृदा अपरदन आज की पर्यावरणीय समस्याओं में से एक समस्या है, और यह जो है कृषि के उत्पादन में गंभीर रुकावट डालती है, इसलिए बहुत ही विकट समस्याएं हैं। मृदा अपरदन की जो है विकरालता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक और सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अपरदन की विकरालता और फैलाव जो है भौतिक और सामाजिक कारकों को बहुत काफ़ी प्रभावित करते हैं। कहते हैं प्रमुख भौतिक कारक हैं वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्तीय बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता, ये सभी बातों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे, कि प्रमुख भौतिक कारक जिसमें वर्षा की अपरदनकारी शक्ति भी आ जाती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता भी आती है, और अपरवर्तीय बाढ़ों की तीव्रता भी नज़र आती है, और ढलान की लंबाई और तीव्रता तो इसमें आती ही आती है। प्रमुख भौतिक कारक जो इसमें देखे जाए तो कहते हैं वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता नज़र आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्रमुख भौतिक कारक के रूप में देखा जाए तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति आती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता। कहते प्रमुख सामाजिक कारक के अंतर्गत देखें तो वनों की कटाई आ जाती है, अति चराई, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधता, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख जो है सामाजिक कारक भी आते हैं और भौतिक कारक भी आते हैं। भौतिक कारक भी आप समझ गए होंगे, सामाजिक कारक भी इसी के अंतर्गत आता है कि वनों की जो है धुनाधुन कटाई होती चली जा रही है, पशुओं को जो है अधिक चराई किया जा रहा है, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधताओं को भी बदल दिया है। कहते हैं भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड अनालिकाओं और भूख संकलन भी रहती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि अपरदन के जो है गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड अवनालिकाओं और भू जो है खलन भी है, और इसके दूसरी ओर वर्षा द्वारा किया गया परत अपरदन और पवन द्वारा किया गया अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत ही कम दिखाई देते हैं, परंतु यह भी इतने ही गंभीर है क्योंकि इसके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत जो होती है नष्ट हो जाती है। भारत में जो है खंडरों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपरदन से जो देखा जाए तो 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है कि यहाँ पर सबसे अधिक देखा जाए तो मृदा का अपरदन को ही नज़र आ रहा है कि 36.7 लाख हेक्टेयर जो है भूमि को नुकसान हुआ है। भारत में खंडरों और अवनालिकाओं के चार प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं चार प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं।
देखा जाए तो पहला तो है यमुना चंबल खंडर क्षेत्र है, गुजरात खंडर क्षेत्र आता है, पंजाब शिवालिक गिरिपास क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र। तो ये जो है प्रमुख है यहाँ पर भारत में खंडर और अवनालिकाओं के चार प्रमुख क्षेत्र जो है आपके समक्ष है कि यमुना चंबल खंडर क्षेत्र है, गुजरात खंडर क्षेत्र है, पंजाब शिवालिक जो है गिरिपास क्षेत्र है और छोटा नागपुर क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो है खंडर अपरदन के कुछ ठोस उदाहरण महानदी घाटी, ऊपरी जो है सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा और ताप्ती घाटियां, शिवालिक तथा पश्चिमी हिमालय के जो है गिरिपात वाला भाबर भूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत में मिलते हैं और जो है खंडर और अवनालिका अपरदन से जो है सबसे कम प्रभावित क्षेत्र भी है। गोदावरी के दक्षिण में जो है पूर्व दक्कन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है कि दक्कन क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान। कहते हैं प्रत अपरदन के प्रमुख क्षेत्र जो है यहाँ ढालू भूमि, अपर प्रायद्वीपीय प्रदेश की बिना सीढ़ी वाला उच्च भूमियाँ जो है सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो है इसके विशेष रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भू संकलन सामान्यतः भूकंप वाले क्षेत्र विशेषता शिवालिक के भागों में होते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो है शिवालिक के क्षेत्र में भू संकलन होना स्वाभाविक बात रहता है। भारी वर्षा और सड़कों तथा इमारतों के बनने के लिए ढलानों के काटने एवं खनन क्रियाओं के कारण भी भू संकलन होते ही रहते हैं। कहते हैं इंसान ने बड़े बड़े सड़कें का निर्माण किया है, इमारतों का निर्माण किया है, जिसके वजह से जो है भू संकलन होना एक आम बात बन गई है। गत 50 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेशों में मरुस्थल का अतिक्रमण भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर मृदा अपरदन के अंतर्गत कि इससे जो है 13,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हिमानी द्वारा अपरदन हिमालय के उच्च भागों में और समुद्री लहरों द्वारा जो है अपरदन तटीय भागों में सीमित ही है। मृदा अपरदन और पोषक तत्वों की समाप्त हो जाने के कारण मृदा का समापन दोनों ही गंभीर बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो मृदा अपरदन और पोषक तत्वों के समाप्त हो जाने के कारण मृदा अपरदन दोनों ही गंभीर बाधाएँ हैं। मृदा की जो है उत्पादकता बढ़ाने के मार्ग में ये दोनों ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के वृद्धि की तुलना में यह ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रही है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की तुलना में जो है मृदा अपरदन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि किसी की देश के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। कहते हैं ये काफ़ी मृदा अपरदन जो है कृषि योग्य भूमि को भी तहस नहस कर देती है।